So the next type is sequence type. तो जो sequence type जो हमारे पास है in Python. So generally हमारे पास तीन तरह के sequence type हमारे पास आता है. The first one is string, the second one is list and the third one is tuples. तो जब भी मैं sequence type का मतलब क्या है कि it is an ordered collection of a similar data types. यानी कि आपके पास similar data types का जो एक order है यानी कि collection जो है उसको मैं sequence type हम लोग यहाँ से बोलते हैं. Now the first one is your strings. तो पहला जो हमारे पास है इसको हम string यहाँ से बोलते हैं. तो एक कहने वाली चीज़ है, देखो एक बहुत ही important चीज़ है. जैसे C++ है या फिर Java है, बार बार उसका एग्जाम्पल मैं यहाँ से देता हूँ बट ठीक है. तो C, C++ और Java इन सभी के अंदर हमारे पास एक कैरेक्टर होता है, राइट. कैरेक्टर जो होता है वो 1 बाइट का होता है इन C और जावा पे 2 बाइट्स का होता है, ठीक है. तो 1 बाइट जो होता है यहाँ पर C के अंदर, क्योंकि वो ASCII कोड को यूज़ करते हैं, और 2 बाइट्स इन जावा बिकॉज वो यूनिकोड को जनरली यूज़ करते हैं. और उसके अकॉर्डिंगली जावा में हम वहाँ से स्ट्रिंग को भी हम लोग यहाँ से बनाते हैं. और जो स्ट्रिंग होती है दैट इज़ ऑल्सो बाई यूजिंग यूनिकोड या फिर ASCII कोड से जनरली, क्योंकि यह होता है कि जो स्ट्रिंग यहाँ पर होती है, स्ट्रिंग इज़ एन अरे, ठीक है. वो एज ए अरे की तरह काम करता है इन C एंड C++, राइट. और जावा जो है, जावा इट्स लाइक वहाँ पर भी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करता है. बट इन पाइथन में कैरेक्टर टाइप होता ही नहीं है. वी डोंट हैव अ कैरेक्टर टाइप. द ओनली थिंग दैट वी हैव इज स्ट्रिंग. यानी कि अगर आपको सिर्फ एक कैरेक्टर अगर आपको बनाना है, मेक ओनली 1 कैरेक्टर, आपको सिर्फ एक ही कैरेक्टर को बनाना है, सो दैट मीन्स इट इज़ अ स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 1 होगी. तो कहने का मतलब क्या है, अ स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ 1 और मोर कैरेक्टर्स बट पुट इन सिंगल कोड, डबल कोड और ट्रिपल कोड. यानी कि आपके पास जो भी स्ट्रिंग है वो आपके पास एक कैरेक्टर हो सकता है, एक या एक से ज़्यादा करेक्टर्स भी हो सकते हैं. जैसे इफ़ आई से दैट वी हैव स्ट्रिंग, और इफ़ आई से नेम, लाइक कुछ नाम यहाँ से देता हूँ, सो विच इज़ हिमांशु इज़ अ वेरिएबल, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ विच इज़ ए, ठीक है. तो यानी कि ये एक स्ट्रिंग है और इसके अंदर एक ही कैरेक्टर है, बट इट इज़ अ स्ट्रिंग. Even if I want to say Himanshu is I am Himu, right? If I say something like this, right? तो ये जो है ये भी एक string ही है, चाहे वो एक character है चाहे वो एक से ज़्यादा है, but as a string की तरह काम करता है. यहाँ पर we don't have an option of character. आप यहाँ पर सिर्फ एक single character यहाँ पर नहीं बना सकते. You don't have a type of character. So इन पाइथन देर इज़ नो कैरेक्टर डेटा टाइप. आपके पास कोई भी कैरेक्टर डेटा टाइप यहाँ पर होती नहीं है. अ कैरेक्टर इज अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1. जो भी आपको एक कैरेक्टर आपको बनाना है तो इसका मतलब है एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ यहाँ पर सिर्फ 1 है. एंड इन पाइथन स्ट्रिंग्स दे आर अरे ऑफ बाइट्स रिप्रेजेंटेड यूजिंग यूनिकोड. तो यहाँ पर यूनिकोड को, राइट, यूनिकोड को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं. और आपको पता है कि यूनिकोड जो होता है जनरली वो 2 बाइट्स का होता है. अब जब भी आप कोई भी वेरिएबल यहाँ से बना रहे हैं, जैसे आप इस एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं, तो ये जो है ये एक वेरिएबल, मैं इसको बना रहा हूँ, ये एक वेरिएबल है. और ये वेरिएबल किस टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का है. और यहाँ पर मैं सिंगल कोट को मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ. जैसे आई वॉन्ट टू मेक वेलकम टू डिजिमेंटो एजुकेशन, तो यहाँ पर मैं सिंगल कोट को यूज़ कर सकता हूँ. सो इफ़ आई प्रिंट दिस स्टेटमेंट, तो क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा वेलकम टू डिजिमेंटो एजुकेशन. और यहाँ से इसकी डेटा टाइप यहाँ से बताएगा. और जो डेटा टाइप है यहाँ पर वो आपके पास स्ट्रिंग है, राइट. डेटा टाइप यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रिंग. तो यानी कि जो क्लास है इस क्लास को बोलेंगे दिस क्लास विल बी स्ट्रिंग, यानी कि STR. तो ये इसकी क्लास है, ठीक है. तो एज ए स्ट्रिंग यहाँ से रिप्रेजेंट करता है, राइट. यू गेट सम एग्जाम्पल, एक बार थोड़ा सा एग्जाम्पल लूँगा तो आपको समझ में आएगा. तो यानी कि मैं यहाँ पर सिंगल कोड को मैं यूज़ कर सकता हूँ, मैं चाहे मैं यहाँ से कोड 2 से भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ और मैं चाहे मैं यहाँ पर 3 कोड को भी यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग आपको बनानी है या तो 1 कोड से भी आप बना सकते हैं या फिर वो 2 कोड्स में भी बना सकते हैं और आप चाहे यहाँ पर 3 कोड्स पे भी बना सकते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है विच इज़ 1 कोड, ये जो है आपके पास 2 कोड्स और ये जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपके पास 3 कोड्स। ओके, और इन सब की जो भी डेटा टाइप है यहाँ पर स्टेटमेंट पे, जो भी यहाँ पर डेटा टाइप है इन तीनों का जो डेटा टाइप है वो सेम है और यानी कि यहाँ पर क्लास का नाम होगा विच इज़ क्लास दैट इज़ str, तो यहाँ पर str को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँगा, राइट। जस्ट वन मोर थिंग, एक और चीज़ मैं आपसे बताता हूँ कि यहाँ पर आप लाइन अगर चेंज करेंगे ना देन वी हैव अ डिफरेंट आउटपुट। मतलब जैसे यहाँ पर से स्टार्ट हुआ और यहाँ से एंड हुआ, तो प्लीज़ लाइक तो आपका फर्स्ट लाइन होगा। जितनी ज़्यादा आप यहाँ पर स्पेस देंगे उतनी ही ज़्यादा स्पेस यहाँ पर गिवन होगा और लास्ट में आपके पास वही वीडियो यहाँ से आपके पास आएगा। कहने का मतलब है लेट मी एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट। तो अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास आउटपुट यहाँ से क्या आ रहा है, तो पहला वेलकम टू डिजिमेंटो एजुकेशन और ये जो है ये इसकी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लास अस एट, तो ये जो इधर रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज रिप्रेजेंटिंग अगेन अ स्ट्रिंग और ये इसकी क्लास है। आवर वेबसाइट इज़ डिजिमेंटो एजुकेशन, क्योंकि मैंने क्या किया था कि अगर आप इसको चेक करेंगे तो स्ट्रिंग जो आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी स्ट्रिंग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसके अंदर जो भी चीज़ें यहाँ पर होंगी वो एज इट इज़ यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। इवन दो अगर मैं इस कोड को भी मैं यहाँ से कॉमन को भी इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, राइट। और नेक्स्ट वन इज़ प्लीज़ लाइक द वीडियो, तो जितनी ज़्यादा मैं यहाँ से स्पेस दूंगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पर दिखाएगा। अब जैसे लेट मी मेक सम चेंजेस, मैं कुछ इसके चेंजेस करूँगा देन यू गेट सम आइडिया, राइट। सो लेट अस सपोज इफ आई एम चेंजिंग दिस स्टेटमेंट, ठीक है। अब ध्यान देना इसका जो आउटपुट है कितना ज़्यादा है। अगर हम इसको रन करेंगे तो यू कैन सी ये जो कंडीशन जो है जितनी स्पेस है वो यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके तो यानी कि जो स्ट्रिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से एंड होगा। जितने भी ज़्यादा आप यहाँ पर स्पेस होगी, जितने आपके पास लाइन होंगी वो लाइन भी यहाँ पर यूज़ करता है। जैसे अगर मैं यहाँ से इफ़ आई से मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मैं यहाँ से दे रहा हूँ, आई मीन अब यहाँ से एंटर मैंने क्लिक किया है, इफ़ आई रन दिस स्टेटमेंट तो आप देख सकते हो उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर लाइन चेंज हो रही है। ओके तो दिस इज़ हाउ स्ट्रिंग्स आर रिप्रेजेंटेड इन पाइथन और जो टाइप है वो आपका सीक्वेंस टाइप है। तो इन द नेक्स्ट क्लास आई मीन इन द नेक्स्ट वीडियो लेट अस सी व्हाट डू मीन बाय लिस्ट। तो लिस्ट क्या होता है, लेट अस सी दैट।